वेलकम टू किचन विद सना। प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाजमन बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं किचन विद सना यूट्यूब चैनल। आज ईद स्पेशल में ईद के लिए हम वेरी स्पेशल तवा कलेजी की रेसिपी लेके आए हैं। ये बहुत ही मज़ेदार और झटपट सी बन जाती है। चलें अब हम इसकी रेसिपी की तरफ चलते हैं। तवा कलेजी बनाने के लिए हाफ के जी हमने मटन की कलेजी ली है। तकरीबन 5 टेबलस्पून हमने ऑयल डाल दिया तवे पे। 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के साथ ही हमने कलेजी डाल दी है मीडियम आंच पे। हम 4-5 मिनट तक इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं कलेजी को हमें फ्राई करते हुए मीडियम आंच पे। अब इसमें हम 1/2 टीस्पून कुटी हुई मिर्च डालते हैं, 1/2 टीस्पून मोटा कूटा हुआ धनिया, 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून मोटा कूटा हुआ ज़ीरा। आंच हमने बिल्कुल स्लो कर दी है मसाले डालते हुए। अब हम इसमें 2 टेबलस्पून लेमन जूस डालते हैं। थोड़ी सी आंच तेज़ करते हैं और इसे भून लेते हैं और ये मसाले भी ज़रा कुक हो जाएं, मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। 2 से 3 मिनट तक हम फिर फ्राई करते हैं। ये बहुत ही मज़ेदार सी कलेजी बनती है, आपने ईद पे ऐसे ही बनानी है। इतनी चटपटी सी और बहुत ही जल्दी ये बन जाएगी, ज़्यादा इंतज़ार आपको नहीं करना पड़ेगा। अब हमने इसमें 1 हरी मिर्च काट के डाल दी है, 1/2 टीस्पून हमने नमक डाला है। आप 2 टेस्ट अपने मर्ज़ी के मुताबिक आप नमक डालिएगा और नमक शुरू में नहीं डालते, नमक बिल्कुल एंड पे डाल। साथ ही हमने हरा धनिया डाल दिया है। एक बार फिर हम मिक्स कर देते हैं। देखिए कलेजी बिल्कुल रेडी है, पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं हमने किया और ये ज़्यादा टाइम पकाते भी नहीं। अगर हम बहुत ज़्यादा टाइम इसे पकाएंगे तो ये हार्ड हो जाएगी। सिर्फ 8 से 10 मिनट में कलेजी बिल्कुल रेडी हो जाए। चलें जी, तैयार है मज़ेदार सी चटपटी सी हमारी तवा कलेजी। बकरा ईद के लिए वेरी स्पेशल, आपने इसे बनाना है, इंजॉय करना है और हमें भी आपने दुआओं में याद रखना है। अपना ख्याल रखिएगा और कमेंट्स में हमें बताइएगा ये कलेजी आपको कैसी लगी है। अगर आपने अब तक किचन विद सना को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक कर दें। अल्लाह हाफिज़।